तो दोस्तों बात करते हैं सिल्वर के पहले सपोर्ट के बारे में कि क्या रहेगा सिल्वर का सपोर्ट। तो नंबर वन जो सपोर्ट है वो है 60,000। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने बात की थी कि मंदी की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। एक जो है वो भयंकर गिरावट आ सकती है। बैनर के ऊपर भी हमने जो है वो वही टाइटल दिया था दोस्तों कि इसकी जो गिरावट है वो हो सकती है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि लगभग हम 62,500 का हाई लगाया और हमने बात की थी 61,800 का लेवल अगर कटता है तो इसके अंदर भयंकर गिरावट आ सकती है। और हमने लगभग 58,400 के आसपास जो है वो लो लगाया। मतलब YouTube के ऊपर दोस्तों अगर हम बात करें तो भी लगभग लगभग 2,500 से 3,000 पॉइंट की जो गिरावट है वो तो हमने यहाँ पर ही डिस्कस कर ली थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, 2,500 से 3,000 पॉइंट तो हमने यहाँ पर ओपनली ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर बता दिया था कि ये गिरने वाला है, आपको जो करना है वो कर लो, चॉइस आपकी होती है, बाय करना है सेल करना है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि ये उसकी संभावना है। अब आगे क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। अगर 60,000 का लेवल टूटा तो फिर से ये नीचे जाएगा, ये बात याद रखना। 60,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि अगर ये लेवल टूटता है तो ये और गिरेगा। और कहाँ तक गिरेगा, 59,400 फाइनल लेवल पकड़ के चलो आप, ये फाइनल लेवल रहेगा हमारा। अगर फाइनल लेवल काटता है नीचे जाके सस्टेन करता है क्लोजिंग कर लेता है तो स्पीड से गिरेगा दोस्तों और 58,500। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ तो वो थोड़ी सी आप ध्यान रखना। अगर ये लेवल जो है वो कटता है तो 56,800 55,000 अगर कटता है तो फिर तो ये एक बार हमने बात की थी वैसे 52,000 53,000 तक संभावना है। ठीक है, ये बात याद रखना, 53,000 52,000 तक की भी इसकी जाने की संभावना है दोस्तों। ये मत मान लेना कि ये नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है। लेकिन अब होने क्या वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ी सी एक उछाल, एक तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अब जो है वो आप सब लोगों को पता है कि भाई हमारे यहाँ पर दिवाली आने वाली है तो दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे सभी लोग जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बाय करने जाते हैं, सोना या चांदी। अब सोना तो बहुत ही महंगा हो गया है आप सब लोगों को पता है, पहले तो थोड़ा सस्ता था तो लोग थोड़ा बहुत करके लेते थे, लेकिन चांदी वो तो हर लोग जो है वो कोई ना कोई छोटी सी चीज़ जो है वो बाय करते थे। लेकिन अब तो सोना चांदी दोनों ही महंगा हो गया है तो होगा क्या, एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये गिरेगा तो लोग शायद ये बाय करने जाएंगे क्योंकि लोगों के मन में एक अभी भी ये है, आपके मन में भी शायद होगा, ये अचानक जो है वो 75-77 आ गया है, अब तो 60,000 में मिल रहा है, लाओ चलो बाय कर लेते, ये वापस ऊपर जाएगा, सबके मन में लालच है। शायद आप वीडियो सुन रहे हो तो आपके मन में भी ये होगा कि वापस ऊपर आएगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी अलग है, अगर आप फिजिकल उसको बाय करके रखना चाहते हो, घर के लिए कोई यूज़ के लिए करना चाहते हो, वो एक अलग चीज़ है। ट्रेडिंग जो है वो एक अलग चीज़ है। ट्रेडिंग के लिए जो है वो हमें लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, और अगर आप घर के लिए जो है वो बाय करते हो वो तो आप किसी भी टाइम पर बाय करो, वो तो आपको रखना ही है, आप उसको सेल करने जाने वाले हो नहीं। अगर आप 60 में बाय करते हो वो अगर 80 भी हो जाएगा तो भी आपको सेल नहीं करना है, पर 60 पे बाय किया आपने और 50-55 हो गया तो भी आप नहीं करो, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आप अपनी साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, साइकोलॉजी जो है वो थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी हमें, तो ये ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा बाइंग आ सकता है क्योंकि सभी लोग जो है वो दिवाली के त्यौहार के ऊपर कुछ ना कुछ बाय करने जाते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये टेम्पररी हो सकता है, जिसकी इफेक्ट हमें देखने को मिल गई थी भाई 58,400 के आसपास गया खरी लेकिन तुरंत वापस आ गया, ये उसी का ही एक इम्पैक्ट था ऐसा मैं मानता हूँ दोस्तों। और ये हो सकता है कि ये इम्पैक्ट थोड़ा सा और बढ़ सकता है। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी वैसे 2,500-3,000 की पॉइंट की जो रैली है वो तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको मैंने बता दी दोस्तों। आपको ही ऐसी ही रैली फाइंड करनी है। मुझे कैसे पता चला कि ये ऐसी रैली आएगी, ये होगा, इतना गिरेगा, वो होगा, तो ये मुझे पता चला दोस्तों ये कोर्स के माध्यम से। वो पूरा नॉलेज जो है दोस्तों ये कोर्स के अंदर मैंने डाल दिया है कैंडल स्टिक का। तो आप ये कीजिए दोस्तों, फर्स्ट अर्न मनी फ्रॉम फ्री वीडियो देन बाय आवर कोर्स। हमारा जो
कोर्स है उसके 3 वीडियो बिल्कुल फ्री है, 2 का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है वीडियो का, तो वो वीडियो जाके दोस्तों आप पहले देखिए, वो वीडियो से पैसा कमाएं और फिर जाके पूरा कोर्स जो है वो आप कीजिए, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट लर्न देन अर्न अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अर्निंग होगी, पहले लर्निंग जरूरी है। अगर आपने लर्निंग नहीं की, आज नहीं की, तो दोस्तों कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों, अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल, जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा, ये याद रखना। लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग जरूरी है, करना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा दोस्तों, ये बात मेरी याद रखना, आज नहीं तो कल। चलो तो ये एक 60,000 का लेवल जो है वो आप याद रख लेना, अगर टूटा तो जो है वो गिरावट हो सकती है, जब तक 60,000 के ऊपर है तब तक कोई मंदी नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर आपकी अपनी अलग ही सोच हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट के ऊपर। नंबर 1 जो टारगेट है दोस्तों ये सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर, वो है 61,600। जब तक ये किसी को सेफ ट्रेडिंग करना हो, ये लेवल के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, तब तक जो है वो बाय मत कर लेना, ठीक है, मेरा मानना है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर ये लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट देता है, सस्टेन कर लेता है, तो 62,600 हम जा सकते हैं, फाइनल लेवल रहेगा हमारा। अगर फाइनल लेवल जो है वो सस्टेन होता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर लेता है, बढ़िया तरीके से सस्टेन हो जाता है, तो हम ऊपर एक अच्छी सी पेजी देख सकते हैं, 63,570, ठीक है, 63,570 का लेवल जो है वो देख सकते हैं, और उसके ऊपर जाता है तो 64,300। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर ये 64,500-600 के लेवल के ऊपर निकलता है, 300 जो है वो मैंने बताया, लेकिन अगर ऊपर निकल के जाके क्लोजिंग करता है, तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये सीधा 70,000-75,000-80, फिर ये ऊपर चलता जाएगा। तो ये बात याद रखना कि जो है वो तेजी मंदी दोनों जो भी आप करते हो, लेकिन जो लेवल है वो खास याद रखना, और ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 64,500 एनी टाइम वर्क करेगा, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, ठीक है, कभी भी जो है वो आप ये लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हो। बड़ा वाला आप ध्यान रखना 64,500, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो मंदी नहीं करनी चाहिए, फिर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से भागेगा ऊपर, ये याद रखना, ठीक है। तो सपोर्ट और टारगेट जो है वो हमने बात कर ली MCX प्राइस के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं उसकी डॉलर टर्म प्राइस के अंदर क्या सपोर्ट टारगेट रहते हैं उसके बारे में। सो नंबर 1 सपोर्ट इन सिल्वर डॉलर टर्म प्राइस 23.40। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक देन फ्रेंड्स वी कैन सी सम शार्प करेक्शन इन सिल्वर, सो अलर्ट आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल 23.40। बिलो दिस वी कैन सी 23, इट इज अ फाइनल लेवल, ओके, रिमेंबर फ्रेंड, विच इज अ फाइनल लेवल फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक एंड एनी टाइम। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक बाय सिल्वर एंड क्लोज बिलो दिस प्राइस देन वी कैन सी शार्प फॉल इन सिल्वर अराउंड 22.60, ओके, 22.60 लेवल टू 21.10, ओके, सो इट्स अ सपोर्ट साइड फॉर सिल्वर। नंबर 1 टारगेट फॉर सिल्वर इज 24, ओके, 24 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इफ दिस लेवल कैन सस्टेन देन वन कैन गो फॉर न्यू लॉन्ग पोजिशन विथ स्ट्रिक्टली SL, ओके, बिकॉज ट्रेंड इज नेगेटिव टिल डेट। इफ दिस लेवल कैन सस्टेन देन वी कैन सी 24.40 लेवल, ओके, 24.40 इज अ फाइनल लेवल, फाइनल सपोर्ट फॉर, सॉरी, फाइनल टारगेट फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक। इफ दिस लेवल कैन सस्टेन बाय सिल्वर देन वी कैन सी वेरी गुड रेलिंग अराउंड 24.75 लेवल टू 25 लेवल, ओके, दिस इज द सपोर्ट एंड टारगेट फॉर डॉलर टर्म प्राइस फॉर सिल्वर फॉर नेक्स्ट वीक विच इज द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।